मैम, मेरे एक फ्रेंड का क्वेश्चन था कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और लेकिन फिर भी मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं जब रेपिटेटिव कोई इंसिडेंट हो जाए उसके बाद ही इतना शॉर्ट टेम्पर्ड होने के बाद ही उस पर रिएक्ट करूँ, और जब मैं रिएक्ट करता हूँ तो मैं बहुत गलत तरीके से रिएक्ट करता हूँ, काफ़ी अब्यूसिव भी हो जाता है कभी कभी वो सिचुएशन, तो मैं इसे कैसे ठीक करूँ? तो इसमें आप देखिएगा कि हमारी नेचर क्या बन गई है कि हम प्रीएम्प्टिव एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम बीमार हो के एक्शन ले रहे हैं। मतलब कि हम अगर कोई कहे कि भाई आप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इन्फेक्शियस इंसान से मिलने जा रहा हूँ, उस टाइम मैं मास्क अप नहीं करूँगा, मैं बीमार आके बीमार पड़ जाऊँगा और फिर उसको कोसूँगा कि तुमने मेरे को इन्फेक्शन दे दी, तुमने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो ये करना जो है ये हमारी गलती है। तो अगर हमारा कोई गिला शिकवा बन रहा है, हमको लग रहा है कि किसी की बिहेवियर अनरीजनेबल है, तो पहले ही हम बड़े प्यार से एड्रेस क्यों नहीं कर लेते कि देखो ये चीज़ ना मुझे डिस्टर्ब कर रही है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, मेरी फीलिंग क्या है उसके बारे में बात कीजिएगा। और हम अगर वेट कर ही सक रहे हैं, हमारे में इतनी विल पावर है कि हम बहुत दिन वेट करके और तब हमारा रिएक्शन आता है, तो उस समय में हम कर क्या रहे हैं? यहाँ जो आपने एग्जांपल दिया है, यहाँ हम गुस्सा इकट्ठा कर रहे हैं, एक छोटा सा गुस्सा, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, फिर उसको रोज सोच सोच के अब ये एक पहाड़ बन गया और फिर वोल्केनो इरप्ट होता है। इसकी जगह रोज प्रोसेस करें, गुस्सा डिसॉल्व करें और जल्द से जल्द कम्युनिकेट करके अपनी फीलिंग रिजॉल्व करें।